मैं कहूँ ऐसी वैसी लड़की इतने प्यार से पट्टी नहीं बांध सकती। बेटा बाप का घर छोड़ जाए तो वो उसका दुश्मन तो नहीं हो जाता? सरदार ने मुझे अपने बेटे की तरफ पाला, लेकिन वो मुझे कहीं से उठा कर लाया था। तुम्हें तो मरना कबूल है ना? ये नहीं कहते कि मुझे माफ कर दो? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा बॉलीवुड की एक बहुत ही जबरदस्त मूवी मेरा दोस्त मेरा दुश्मन के बारे में। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वह कई दिनों तक बेहोश रहता है, जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वह लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वह अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वह उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वह लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में, मास्टर भगवान भीकू के रूप में, बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी,
केसर, फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं, जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वह कई दिनों तक बेहोश रहता है, जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वह लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है, ताकि वह अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है, तो वह उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वह लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं, जो बड़े ही जबरदस्त है। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाटकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में, मास्टर भगवान भीकू के रूप में, बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर, फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं, जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वह कई दिनों तक बेहोश रहता है, जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वह लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है, ताकि वह अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है, तो वह उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वह लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है।
क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में, मास्टर भगवान भीकू के रूप में, बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वो कई दिनों तक बेहोश रहता है, जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वो लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है, ताकि वो अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है, तो वह उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वह लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में, मास्टर भगवान भीकू के रूप में, बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद।
दोस्तों यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वो कई दिनों तक बेहोश रहता है जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वो लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वो अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वह उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वह लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में, मास्टर भगवान भीकू के रूप में, बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वो कई दिनों तक बेहोश रहता है जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वो लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वो अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वह उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वह लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है,
तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीड इन कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में, मास्टर भगवान भीकू के रूप में, बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वह कई दिनों तक बेहोश रहता है, जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वह लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है, ताकि वह अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है, तो वह उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वह लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीड इन कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में, मास्टर भगवान भीकू के रूप में, बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है।
इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में हैं। दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वो कई दिनों तक बेहोश रहता है जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वो लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वो अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वो उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वो लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में, मास्टर भगवान भीकू के रूप में, बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वो कई दिनों तक बेहोश रहता है जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वो लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वो अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वह उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वो लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था।
खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में, मास्टर भगवान भीकू के रूप में, बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वो कई दिनों तक बेहोश रहता है, जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वो लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है, ताकि वो अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है, तो वो उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वो लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में, मास्टर भगवान भीकू के रूप में, बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ।
तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वह कई दिनों तक बेहोश रहता है, जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वह लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वह अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वह उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वह लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में मास्टर भगवान भीकू के रूप में, बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वह कई दिनों तक बेहोश रहता है, जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वह लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वह अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वह उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वह लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ।
तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में, मास्टर भगवान भीको के रूप में, बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वो कई दिनों तक बेहोश रहता है जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वह लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वह अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वह उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वह लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में, मास्टर भगवान भीको के रूप में, बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है।
वो कई दिनों तक बेहोश रहता है, जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वो लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वो अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वो उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वो लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में, मास्टर भगवान भीकू के रूप में, बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वो कई दिनों तक बेहोश रहता है, जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वो लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वो अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वो उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वो लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार।
3. कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4. क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5. जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में मास्टर भगवान भीकू के रूप में बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वो कई दिनों तक बेहोश रहता है जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वो लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वो अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वो उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वो लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में मास्टर भगवान भीकू के रूप में बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वो कई दिनों तक बेहोश रहता है जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं,
लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वो लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वो अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वो उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वो लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीड इन कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में, मास्टर भगवान भीकू के रूप में, बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वह कई दिनों तक बेहोश रहता है जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वो लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वो अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वो उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वो लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5,
जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में मास्टर भगवान भीकू के रूप में बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वो कई दिनों तक बेहोश रहता है जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वो लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वो अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वो उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वो लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में मास्टर भगवान भीकू के रूप में बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वो कई दिनों तक बेहोश रहता है जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है।
वो लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वो अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वो उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वो लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में मास्टर भगवान भीकू के रूप में बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित है, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वो कई दिनों तक बेहोश रहता है, जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वो लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वो अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वो उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वो लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ।
तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेमजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में मास्टर भगवान भीकू के रूप में बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वो कई दिनों तक बेहोश रहता है जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वह लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वह अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वह उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वह लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेमजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में मास्टर भगवान भीकू के रूप में बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वो कई दिनों तक बेहोश रहता है जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वो लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वो अपनी जमीन जोत सके।
जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वो उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वो लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में, मास्टर भगवान भीकू के रूप में, बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वह कई दिनों तक बेहोश रहता है, जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वह लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है, ताकि वह अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वह उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वह लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा,
मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में मास्टर भगवान भीकू के रूप में बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वो कई दिनों तक बेहोश रहता है जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वो लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वो अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वह उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वह लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में मास्टर भगवान भीकू के रूप में बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वो कई दिनों तक बेहोश रहता है जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वो लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वो अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वह उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वह लौटने से इनकार कर देता है।
बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है, जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है। तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में मास्टर भगवान भीकू के रूप में बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वह कई दिनों तक बेहोश रहता है, जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वह लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है, ताकि वह अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है, तो वह उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वह लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है, जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है। तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में मास्टर भगवान भीकू के रूप में बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल,
दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं, जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वह कई दिनों तक बेहोश रहता है, जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वो लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है, ताकि वो अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है, तो वो उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वो लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं, जो बड़े ही जबरदस्त है। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाटकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में, मास्टर भगवान भीकू के रूप में, बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं, जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वह कई दिनों तक बेहोश रहता है, जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वो लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है, ताकि वो अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है, तो वो उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वो लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है।
जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त है। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाटकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में, मास्टर भगवान भीकू के रूप में, बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वो कई दिनों तक बेहोश रहता है, जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वो लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है, ताकि वो अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है, तो वह उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वह लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त है। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाटकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में, मास्टर भगवान भीकू के रूप में, बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है।
इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में हैं। दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वह कई दिनों तक बेहोश रहता है जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वो लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वो अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वो उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वो लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में मास्टर भगवान भीकू के रूप में बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वह कई दिनों तक बेहोश रहता है जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वह लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वह अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वह उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वह लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था।
खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त है। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीड इन कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में, मास्टर भगवान भीको के रूप में, बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वह कई दिनों तक बेहोश रहता है, जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वो लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है, ताकि वो अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है, तो वो उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वो लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त है। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीड इन कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में, मास्टर भगवान भीको के रूप में, बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ।
तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वह कई दिनों तक बेहोश रहता है जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वह लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वह अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वह उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वह लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाटकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में, मास्टर भगवान भीकू के रूप में, बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वह कई दिनों तक बेहोश रहता है जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वह लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वह अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वह उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वह लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ।
तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में, मास्टर भगवान भीको के रूप में, बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वह कई दिनों तक बेहोश रहता है जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वो लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वो अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वो उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वो लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में, मास्टर भगवान भीको के रूप में, बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है।
वो कई दिनों तक बेहोश रहता है, जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वो लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वो अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वो उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वो लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में मास्टर भगवान भीकू के रूप में बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वह कई दिनों तक बेहोश रहता है, जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वो लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वो अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वो उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वो लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार।
3. कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले. 4. क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले. और नंबर 5. जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले. दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ. तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में, मास्टर भगवान भीकू के रूप में, बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद. दोस्तों यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है. इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है. दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था. तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ. तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है. एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है. वह कई दिनों तक बेहोश रहता है जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं. जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है. शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है. वह लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वह अपनी जमीन जोत सके. जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वह उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है. तो बहादुर के आने पर भी वह लौटने से इनकार कर देता है. बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है. क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है. जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था. खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है. ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा. तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ. तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं. नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाटकर. 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार. 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले. 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले. और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले. दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ. तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में, मास्टर भगवान भीकू के रूप में, बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद. दोस्तों यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है. इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है. दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था. तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ. तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है. एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है. वह कई दिनों तक बेहोश रहता है जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं. जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं,
लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वो लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वो अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वो उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वो लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में, मास्टर भगवान भीकू के रूप में, बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वह कई दिनों तक बेहोश रहता है जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वो लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वो अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वो उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वो लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5,
जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में मास्टर भगवान भीकू के रूप में बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित है जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वो कई दिनों तक बेहोश रहता है जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वो लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वो अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वो उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वो लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में मास्टर भगवान भीकू के रूप में बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित है जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वो कई दिनों तक बेहोश रहता है जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है।
वो लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वो अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वो उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वो लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में, मास्टर भगवान भीकू के रूप में, बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वो कई दिनों तक बेहोश रहता है जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वो लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वो अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वो उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वो लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ।
तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में मास्टर भगवान भीको के रूप में बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वो कई दिनों तक बेहोश रहता है जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वो लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वो अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वो उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वो लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में मास्टर भगवान भीको के रूप में बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वो कई दिनों तक बेहोश रहता है जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वो लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वो अपनी जमीन जोत सके।
जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वो उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वो लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में मास्टर भगवान भीकू के रूप में बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है, जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वो कई दिनों तक बेहोश रहता है, जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वो लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है, ताकि वो अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वो उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वो लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा,
मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में मास्टर भगवान भीको के रूप में बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। दोस्तों, यह मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1984 की भारतीय बॉलीवुड एक्शन फिल्म है जो राज खोसला द्वारा निर्देशित और जॉनी बख्शी द्वारा निर्मित है। इसमें संजीव कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, स्मिता पाटिल प्रमुख भूमिका में है। दोस्तों, इसके अलावा इस फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने दिया था। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की कहानी के बारे में बताता हूँ। तो शक्ति और शैतान सिंह दो भाई हैं जो डाकुओं के एक गिरोह से संबंधित हैं, जिसका मुखिया उनका पिता बहादुर सिंह है। एक दिन जमालपुर गांव में लूटपाट के दौरान शक्ति घायल हो जाता है और हरकिशन और उसकी बेटी लाली के पास शरण लेता है। वह कई दिनों तक बेहोश रहता है जबकि बाकी डाकू उसे मरा हुआ समझते हैं। जब शक्ति को होश आता है तो वह और लाली एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन लाली चाहती है कि वह एक ईमानदार जीवन जिए और तभी वह उससे शादी कर सकता है। शक्ति लाली का हाथ जीतने के लिए सीधे जाने का फैसला करता है। वह लगभग अंधी महिला जानकी की मदद करने का फैसला करता है ताकि वह अपनी जमीन जोत सके। जब शैतान को पता चलता है कि शक्ति अभी भी जीवित है तो वह उसका स्वागत करने जाता है, लेकिन शक्ति वापस लौटने से इनकार कर देता है। तो बहादुर के आने पर भी वह लौटने से इनकार कर देता है। बहादुर शक्ति को गोली मारकर मारने का लक्ष्य रखता है, लेकिन कोई बहादुर को गोली मारकर मार देता है। क्रोधित शैतान अपने पिता के हत्यारे का पता लगाना चाहता है और हर हफ्ते एक ग्रामीण को मारने का फैसला करता है। जब तक कि शक्ति और ग्रामीण यह नहीं बता देते कि हत्यारा कौन है, तब शैतान को पता चलता है कि शक्ति असल में उसका भाई नहीं है बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सालों पहले जमालपुर से एक बच्चे के रूप में अगवा किया गया था। खून का रिश्ता अब अस्तित्व में नहीं है। ऐसा लगता है कि एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में शक्ति के दिन गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि अब शैतान उसे किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इस फिल्म के गानों के बारे में बताता हूँ। तो इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं जो बड़े ही जबरदस्त हैं। नंबर 1, गोली चाचा को सलाम करो, सुरेश वाडकर। 2, एक तारा जोगी आया, किशोर कुमार। 3, कैसे बेदर्दी से आंख लड़ी रे, राम कसम मुश्किल में, किशोर कुमार, आशा भोसले। 4, क्या इसका नाम जवानी है, आशा भोसले। और नंबर 5, जवानी चीज बड़ी, आशा भोसले। दोस्तों, अब मैं आपको इस मूवी की लीडिंग कास्ट के बारे में बताता हूँ। तो गोली चाचा के रूप में संजीव कुमार, शक्ति सिंह के रूप में शत्रुघ्न सिन्हा, लाली के रूप में स्मिता पाटिल, शैतान सिंह के रूप में डैनी डेंजोंगपा, मुलायम सिंह के रूप में जॉनी वॉकर, मुकरी हरकिशन के रूप में मास्टर भगवान भीको के रूप में बहादुर सिंह के रूप में त्रिलोक कपूर, जानकी के रूप में इंद्राणी मुखर्जी, केसर फूलवती के रूप में गीता बहल, दस्यु के रूप में शिवराज और दस्यु के रूप में विकास आनंद। तो दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त मूवी है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी एक बार इस मूवी को जरूर देखें। धन्यवाद।